श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर के समक्ष किसानों ने फसल का मुआवजा देने की मांग को लेकर धरना किया। धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों को किसी तरह की सुविधा मुहैया नहीं करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि गुलाबी सुंडी के कारण बेमौसम और तूफान से फसलें बर्बाद हो गई है, फसल बीमा की गारंटी उपज को सही किया जाए और सभी चिन्हित खेतों के किसानों को मुआवजा दिया जाए। इस दौरान किसान नेता JKS के अध्यक्ष रणजीत सिंह राजू सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है जगह। पहले तो गुलाबी सुंडी, जगह जगह बारिश और तेज तूफान से नरमा तो बिल्कुल चौपट हो गया। नरमे में तो 99% नरमा खत्म हो गया। हमारी सरकार से डिमांड है, डिमांड हक है, क्योंकि हम टैक्स देते हैं। कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश तो जिन किसानों ने बीमा करवाया हुआ है उनको बीमा मिल जाएगा और बाकी को क्लेम देना।